नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास टेंथ का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संस्कृत का बताने वाले हैं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके परीक्षा में ना 100% आएगा। एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% यही क्वेश्चन आएगा और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सबको याद कर लेना है जो भी बिहार बोर्ड से इस बार 2025 में मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सब लोग ना चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, मैं आपको ना हर विषय का एग्ज़ाम में लड़ने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगा। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, कृ धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन का रूप कौन सा है। तो दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन का सही जवाब मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रू हो जाएगा। कृ मतलब कि क्रू, तो आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा, लोट लकार मध्यम पुरुष में। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भाव किस लकार का रूप है, भाव जो है वह किस लकार का रूप होता है, तो यह भी लोट लकार का ही रूप होता है। तो यहां पर आपका पहला दूसरा दोनों का आंसर सी नंबर मिलेगा, इसे याद ना VBI प्रश्न है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है, अधनन में कौन सी धातु है। तो हन आपका हो जाएगा हन, देखो पूरा न नहीं है, आधा न है, वो आपका हलन का चिन्ह लगा हुआ है ना, उसका मतलब होता है आधा न, तो बी नंबर इसका आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा, हन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लभ इसमें भी हलंत है, लभ धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा। तो चार नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, लभते हो जाएगा, बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा चार का। अब पांच नंबर क्वेश्चन देखिए, पांच नंबर क्वेश्चन है, तिष्ट किस लकार का रूप होता है, तिष्ट किस लकार का रूप होता है, तो लोट लकार का रूप होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है, एधि किस धातु का रूप होता है, तो छ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अध का, एध का मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना, एधि मतलब एध, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपनोति में मूल धातु कौन सा है, अपनोति में मूल धातु कौन सा है, सात का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपनोति मतलब कि आप, तो आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, अस्तु किस लकार का रूप होता है, तो लोट लकार का होता है, आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा, लोट लकार का होता है। अगला क्वेश्चन है कि पठत किस लकार का रूप होता है, तो नौ नंबर का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोट लकार का होता है। दोस्तों अगर आप लोग डेली एकदम फ्री में एकदम क्लास करना चाहते हो यूट्यूब पर एकदम फ्री में, कब क्लास होता है कब नहीं होता है, वीडियो सर जी कब कब मिलता है, कैसे मिलता है, और साथ में आप लोगों को कुछ PDF भी हम दे देते हैं, तो बाबू आप हमारा WhatsApp ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। WhatsApp ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे ना, तो फटाक से आप हमारे WhatsApp ग्रुप में जुड़ जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वो ग्रुप है आपके स्टडी करने के लिए, एग्ज़ाम में आप टॉपर भी बन जाएंगे उस ग्रुप से, ठीक है ना, पढ़ के। अगला क्वेश्चन है, दशयंती किस लकार का रूप है, दशयंती, तो दस नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिट लकार का होगा, ये लिट लकार का होगा। शोभते किस लकार का रूप है, तो अभी दोस्तों हमने क्वेश्चन इस पर बताया, शोभते लट लकार का, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पठेऊ किस लकार का रूप होता है, पठेऊ किस लकार का रूप होता है, तो 12 का आंसर सी नंबर आएगा, विधि लिंग का होता है। अगला क्वेश्चन, अक्षिपथ में कौन धातु है, तो आंसर आपको मिल जाएगा छिप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिबेत में मूल धातु क्या है, तो पा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, पा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नमंती का मूल धातु क्या होता है, ईजी है, नमंती मतलब कि नम, दधात का मूल धातु क्या है, तो 16 का आंसर सी नंबर देगा, दा हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, श्रु धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा, तो आंसर मिलेगा सुरुष्यति, ऑप्शन नंबर आपका मिलेगा सुरुष्यति, ऑप्शन नंबर सी आपका मिलेगा सुरुष्यति, ठीक है ना, याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर, देही किस लकार का रूप, देही मतलब कि देना, तो देही किस लकार का रूप होता है, तो लोट लकार का होता है, आंसर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जघान किस लकार का रूप होता है, तो ये होता है दोस्तों लोट लकार का, ये भी होता है, ज़्यादातर दोस्तों 80% लोट लकार से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जही में मूल धातु क्या है, तो आंसर आपको मिल जाए
जाएगा सिनमर हन होगा, सिनमर हो जाएगा हन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका है घरा, घरा धातु रूप लड़ लगार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होता है, तो एक इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर बिल्कुल सही जवाब देगा अजिग्रम, ठीक है ना, अजिग्रम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देही में मूल धातु क्या है, देही में मूल धातु क्या, अभी दोस्तों क्वेश्चन जस्ट बताया था देही मतलब कि दा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ददात में मूल धातु क्या है, ददात में मूल धातु क्या होता है, तो ददात में मूल धातु दा होता है, देही मतलब कि दा, ददात में भी आपका दा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दा धातु रूप लट लकार बहुवचन में क्या होता है, बहुवचन में ना, तो बहुवचन में ददाती ददती, तो आंसर आपका दोस्तों मिल जाएगा 24 का आपका ऑप्शन नंबर मिल जाएगा बी नंबर ददती हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अहन में कौन लकार है, अहन में कौन लकार है, तो 25 नंबर का आंसर मिल जाएगा सिनवर लीट लकार है। पा धातु मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन है, तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है दान धातु रूप विधि लिंग उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होता है, तो 27 का आंसर आपका मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यक्षयम होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गच्छ धातु, गच्छ किस धातु का रूप होता है, गच्छ गच्छ मतलब कि गच्छ ही ना होता है, गच्छ मतलब नहीं गच्छ यानी कि गम होता है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चोरया, चोरया किस लकार का रूप होता है, चोरया किस लकार का रूप होता है, तो दोस्तों लोट लकार का होता है, याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि सक्षयते किस लकार का रूप है, तो 30 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब मिल जाएगा सी नंबर लीट लकार का, ये भी होता है, ठीक है ना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, द्रक्षयति किस लकार का रूप है, द्रक्षयति किस लकार का रूप है, तो इसका आंसर मिलेगा ये भी लिट लकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अददा किस लकार का रूप है, अददा किस लकार का रूप होता है, तो ये लड लकार का हो जाएगा, ठीक है ना, आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा। ये दोस्तों 100% ऑब्जेक्टिव टकराने वाला है एग्जाम में, अच्छे से याद करना, मिस मत करना, एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना, अच्छे से याद कर लेना और शेयर कर दीजिए अपने प्यारे और हैंडसम दोस्त के पास, जल्दी से शेयर कर दीजिए इस वीडियो को।